गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है आप सबका? जैसे कि मैं रात को आया था जयपुर, थोड़ा थक गया था, तो आज मैं जयपुर एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी जगहें देखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो आइए चलते हैं, और चलते चलते ये होटल का व्यू आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा। तो आइए। राज मंदिर, जो कि बहुत फेमस थिएटर है पूरे जयपुर का। और मैं इन ऑटो रिक्शे वाले भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ जी, तो मैं दिन की शुरुआत स्टार्ट करूंगा मंदिर से। और मेरे बिल्कुल सामने बिरला मंदिर है, यहाँ पर बहुत फेमस गणपति जी का मंदिर है। दोनों अपोजिट साइड में है, और ये मैंने पार्क करवा दिए इन भैया का ऑटो। तो मैं अभी पहले बिरला मंदिर दर्शन करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और फिर गणपति जी के दर्शन करेंगे। तो आइए। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट अंदर फोटो लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो मैंने छुपके तो थोड़ा बहुत शॉट ले लिया, लेकिन कोई नहीं। ये जयपुर का सबसे फेमस मंदिर है बिरला मंदिर, तो यहाँ ज़रूर आइए। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो आप आइए यहाँ। जी, मैं म्यूज़ियम पहुंच गया हूं, यहां पर बहुत फेमस है। इसकी 50 रुपीज़ टिकट है एंट्री के लिए। तो आइए देखते हैं। पुरानी तस्वीरें एंड स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट की बेशुमार चीजें देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। चिलम, कुछ एंटीक्स आकृतियाँ, बाकी बहुत सारी थी, मैंने जो मोस्टली चीज़ें दिखा सका मैंने दिखाई। फिर मेरी नज़र पड़ी एक मम्मी पे, जो कि लाइफ में मैंने पहली बार देखी है। इन
इनका एक्सरे कराया था 2011 में, तो ये तस्वीर लगा रखी है सामने। और कुछ उस टाइम की ज्वेलरीज थी। और फिर मैं निकल पड़ा हवा महल की तरफ। मैं आ गया हूँ हवा महल के अंदर, जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है एंट्री के लिए पर पर्सन। तो आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ लाइफ में, बाहर से मैंने देखा है हवा महल पहले भी, लेकिन मैं अंदर कभी नहीं आया, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो आइए चलते हैं। हवा महल बस इतना सा ही था, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ऊपर जाकर सामने का व्यू दिखता है। तो फिर मैं निकल पड़ा सिटी पैलेस, और नीचे उतरते ही मैंने सामने देखा कुछ फेमस शॉप थी, कोई कुल्फी वाला था और बहुत सारी चीज़ें थी, शेक वाला था। मैंने यहाँ गाइड हायर कर लिया था ताकि ज़्यादा अच्छे से आप सब लोगों को समझा सकूँ हर चीज़। बिल्डिंग खास बात है कि 3 डिज़ाइन में बनी है, एक्चुअली हिंदू टेंपल मंदिर की डिज़ाइन में, बीच हिंदू मुगल यूरोपियन सबका मान सम्मान के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 1902 में जी, और 1959 में इसे टेक्सटाइल गैलरी में कन्वर्ट कर दिया। इस पैलेस में आज भी यहाँ के राजा रहते हैं। दीवाने खास, जब राजा अपनी सीक्रेट मीटिंग करा करते थे, मंत्रियों के साथ स्पेशल मीटिंग करा करते थे, और एक होता दीवाने आम, जब राजा आम पब्लिक की समस्या का समाधान करा करते थे, इसे कहते हैं सर दीवाने खास। कलश देख रहे थे सामने, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम है। मार्दा स्वाई माधो सिंह सेकंड धार्मिक होती के राजा थे, रिलीजियस पर्सन थे, इंग्लैंड के राजा ने क्यों इन्वाइट किया था, तो इनमें गंगाजल बरकर इनको अपने साथ इंग्लैंड लेकर गए थे 1902 के अंदर। 345 किलोग्राम 1 सिल्वर जर का वेट है एंड 14,000 सिल्वर कॉइंस को पिघलाकर बनाया गया है। और पैलेस देखने के बाद मैं निकल पड़ा अंबर फोर्ट की तरफ, जो कि आप सामने देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। तो जी ये है आमेर का फोर्ट, मैं भी अभी पहुँचा हूँ, लेकिन जिसको भी आमेर का फोर्ट आना हो वो पीछे के रास्ते से आए, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता है। यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और यहीं से आ जाए। बहुत लोग आगे के रास्ते से आते हैं बट उन्हें पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो मेरी सजेशन यही है उसको पीछे के रास्ते से आए जो भी आए। तो ये देख लिए, देख लीजिए यहीं से रास्ता है, तो आइए। जी आमेर फोर्ट में एंटर करने के लिए 100 रुपीज़ टिकट चार्ज है, और ये बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये जयगढ़ का फोर्ट है, और ये मेरे पीछे एकदम आमेर का फोर्ट है। तो अभी ये देखते हैं, फिर सामने का बताएंगे आपको कि वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते, तो आइए। जी ये है शीश महल, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर आमेर के फोर्ट में, और ये इनका गार्डन है, यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। बाकी और जाके अभी और चीज़ें दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है, इसको घूमने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जितना मुझसे कवर होता है बाकी मैं उतना दिखाता हूँ। जी मैं निकल चुका हूँ अपना जल महल की तरफ, बाकी आगे चल के देखते हैं। मैंने अभी कैप ली है, यहाँ की ट्रेडिशनल है, तो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं। थोड़ा अभी पैदल है, मेरा ऑटो खड़ा है वहाँ पर, तो मैं वहाँ की तरफ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जल महल की तरफ निकलता हूँ, फिर आप लोगों से वहाँ चल के बात करते हैं। आखिर मैं जल महल पहुँच ही गया, ये रहा, ये सारा पानी के अंदर डूबा हुआ है वो रहा जी जल महल।
एक्चुअली इसकी एक कहानी है, ये जल महल -3 तक है, नीचे तक बस इसका टॉप फ्लोर ही दिख रहा है यहाँ से। तो अब देखो सारा पानी में, अभी थोड़ी रेनोवेशन चल रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अगर किसी को शाम को बैठना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं निकल पड़ा रावत कचौड़ी वाले पर, जो कि पूरे जयपुर में सबसे फेमस है। मैं आ गया हूँ आखिर यहाँ पर सीधा रावत पर। इसकी बहुत अच्छी कचौड़ी है, बहुत टेस्टी है, प्याज कचौड़ी इसका नाम है। 60 रुपीज़ की दी है, नो डाउट बहुत अच्छा है। इसके अंदर आलू भी हैं, प्याज की नहीं है, मेन आलू का स्टफिंग भी कर रखी है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत फेमस जगह है पूरे जयपुर की। और मेरा तो मन कर रहा है मैं एक और ले लूँ। सोचा जयपुर आए हैं तो शॉपिंग ना करें, ऐसा हो सकता है, तो मैं निकल पड़ा शॉपिंग के लिए, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने और कुछ यहाँ की जगहें और चीज़ें देखने। और आगे के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ चौकीदानी। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।